हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हैंगिंग क्राफ्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले वॉल पुट्टी लेंगे। आपको जिस भी ब्रांड की वॉल पुट्टी मिले आप वो ले लीजिए। वॉल पुट्टी लेने के बाद इसमें हम पानी मिलाकर एक डो गूंथेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से ये डो भी गूंथेगा। तो देखिए, इस तरीके का डो हमें लगाना है। वॉल पुट्टी का डो 2 घंटे तक सूखता नहीं है, लेकिन आप इसको गीले कपड़े से अगर ढक कर रखेंगे तो ये 2 घंटे तक चल जाएगा। आप कोई भी कैप ले लीजिए। मैंने अपनी बेटी की दूध की जो बॉटल है उसका कैप लिया है और उस पर हम इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को रैप कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है फॉइल का वो हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद हम इस डो से एक रोटी जैसी बेलेंगे। अब हम इस रोटी को अपने कैप के ऊपर स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गम का इस्तेमाल करें, किसी भी ग्लू का। आप इसको डायरेक्ट पानी की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। फिंगर्स की हेल्प से इसको एक जैसा करते जाएंगे। लास्ट में पानी लगाकर इसकी हम फिनिशिंग दे देंगे और ऊपर एक होल कर देंगे, जिसके थ्रू हम कोई भी डोरी वगैरह होगी उसको पास करेंगे। ये बनाने के बाद अब हम छोटी छोटी बीट्स बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से राउंड बॉल करनी है हमको और बीच में एक होल कर देना है। आप सुई से भी कर सकते हैं ये चीज़। इस तरीके से काफ़ी सारे बीट्स हमको बनाने हैं और अब हम इसे सूखने रख देंगे। ये देखिए, मेरे सारे बीट्स सूख चुके हैं और मेरी बेल्स भी सूख चुकी हैं। अब हम इसके अंदर से फॉइल का पार्ट निकालेंगे। तो बस आपको केयरफुली इसको धीरे धीरे रिमूव करना है। पूरी फॉइल रिमूव होने के बाद अब हमें इसको सैंड पेपर से फिनिश करना है। तो ये जो सैंड पेपर है ये आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा और आप इससे धीरे धीरे फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप फिनिश होता जाएगा। ये देखिए, मेरा ये फिनिश हो गया है। मैंने इसी तरीके से अपनी सारी बेल्स को फिनिश कर लिया है। अब हम इस पे डिज़ाइन कर बनाएंगे। तो डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे भी एक बॉर्डर दे दिया है मैंने। कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर्स ले लेंगे हम और कलर करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे और या फिर अगर आप इसको दिवाली पे बनाना जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी सारी पर्ल्स जो हैं वो कलर हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम वॉल पुट्टी का कोन बनाएंगे। तो ये देखिए वॉल पुट्टी का कोन है, ये वॉल पुट्टी एंड फेविकॉल एंड पानी का एक मिक्सचर है, पेस्ट है एक, उससे हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे। आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने जो ये डिज़ाइन बनाई है उसका आउटलाइन मैं इससे कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके डिज़ाइन बना दी है। इसी तरीके से सारी बेल्स पे हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी सारी बेल कंप्लीट्स हो चुकी हैं। अब ये जो मैंने बीड्स बनाए थे इन पे मैं कलर करूँगी। तो ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, आप सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं और इन बीड्स को हम सुखाने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे बीड्स सूख चुके हैं और मेरी बेल्स भी सूख चुकी हैं। अब इन बेल्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि पानी से और धूल से ख़राब ना हो, मैं इसके ऊपर वार्निश करूँगी, वार्निश का एक कोट करूँगी और इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके सारी बेल्स के ऊपर वार्निश कर दी है, तो ये कितनी चमक रही हैं सारी बेल्स। अब इन बेल्स पे मैं मिरर को स्टिक कर रही हूँ। ये मेरे पास कुछ मिरर्स रखे हुए थे, तो ये देखिए मैं मिरर्स इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मिरर लगने के बाद ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी हैं। अगर आपको भी ये ब्यूटीफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स सारी बेल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी हुप लेंगे और उसके ऊपर कलर कर देंगे। कलर करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक लेस स्टिक कर दी है। फ्रेंड्स ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा है कि जब आप इसको अगर इसको बनाएंगे तब आप जानेंगे कि जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो अनमोल होती है। अब फ्रेंड्स इसको हैंग करने के लिए देखिए ये जो ऊन है वो मैंने ले ली है और उसके नीचे एक सबसे नीचे एक बेल, छोटी सी जो घंटी होती है वो लटका दी है। उसके बाद दो बीड्स लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने जो बड़ी वाली बेल बनाई है वो हैंग कर दी है। उसके ऊपर हम दोबारा से दो बीड्स लगाएंगे। ये करने के बाद मैंने एक वेस्ट जो मेरी बैंगल थी वो ले ली है और उसके ऊपर मैं इस गोटा को चिपकाऊंगी। बस हमें इस गोटा को इसके ऊपर चिपकाते जाना है और हमारी एक डेकोरेटिव चीज़ तैयार हो जाएगी। इसको भी हम इसी में हैंग करेंगे। इसी तरीके से आपको ये सिक्स बना लेनी है। मैंने फोर पहले ही बना ली थी तो मैंने आपको बनाना बता दिया है। उसके बाद हम इस हैंगिंग पोर्शन को इस बेल के इस जो मैंने बैंगल तैयार की है उसके साथ हम इसको बांध देंगे।
आपको गांठ एकदम टाइट लगानी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप गांठ ढीली लगा दें और ये गिर के टूट जाए। अब हम दोबारा से एक डोरी लेंगे, उसके बाद उसमें इस तरीके से एक घंटी बांधेंगे छोटी सी। ये बेल्स भी आपको क्राफ्ट स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। आई थिंक ये 10 रुपीज़ की 10 आती हैं। उसके बाद हम इसमें बीड्स लगाएंगे, ये जो हमने बनाए हैं। अब हमें इसको इस चूड़ी के अंदर टांगना है, इस तरीके से बांध देंगे अच्छे से। उसके बाद दोबारा से हम इसमें बीड्स लगाएंगे। ये देखिए मेरी एक ये बेल तैयार हो गई है, एक हैंगिंग पूरी डोरी। इस तरीके से मैंने 6 डोरी बना ली हैं। और इसको अब मैं वो जो एम्ब्रॉयडरी हुप थी उस पर मैं हैंग करूँगी, तो एक एक करके हम इसमें हैंग करेंगे। देखिए ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसे तुरंत देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।